बिग बॉस ओटीटी जो हो गया है बहुत ही पकाऊ पर इंस्टाग्राम पे एक है बंदा जिसने मजे ले लिया यार मजे ले लिया और इतना एंटरटेनमेंट दे दिया जो बिग बॉस के अब तक के ओटी के तीन सीजन आ चुके हैं उतना एंटरटेनमेंट उनमें नहीं था जितना इन वीडियोस में है <laughs> मैं तो रही है, बिग बॉस के किसी सीजन में इतना नहीं था <laughs> और एक्चुअली <laughs> अगर बिग बॉस इन्हीं आवाजों में बोलने लगे तो मुझे लगता <laughs> है बिग बॉस की टीआरबी बहुत ऊपर जाएगी <laughs> बहुत हाई हो जाएगी और ज्यादा मजे आएंगे देखने वालों को भी और जो वहां पे है कंटेस्टेंट उनको भी बिल्कुल भी तो ये जो वीडियो है वो एक्चुअली ए जनरेटेड है और बिग बॉस की आवाज जो लोग निकाल रहे हैं हाँ। से और तरह तरह की चीजें बोल रहे हैं और ऐसी चीजें बोल रही हैं जो कि हम सुनना चाहते हैं कि काश यार बिग बॉस ऐसा बोल दे यार बड़ा <laughs> पाओ गर्ल को और वो एक्चुअल में एआई करके दिखा रहे हैं। दिल की बात बोल रहे चलिए पहली वीडियो देखते हैं इस हफ्ते आप सब ने कॉन्टेंट के नाम पर हक दिया ट्रू फैक्ट्स ओनली राइट मुझे लगता है आपके गांव के लोगों के कान खराब हैं इसलिए आपको सपोर्ट करते हैं जबकि आपको सपोर्ट नहीं रिपोर्ट करना चाहिए देख दिल दे, दे, दे की बात नहीं है बिल्कुल मैं वही तो बोल रही हूँ चंद्रिका जी आपने फूलों वाला ड्रेस तो पहन लिया मगर हाथ फिर भी नहीं धोए हवसी अरमान <laughs> पोलोमी के घुटने जैसा मुंह है आपका और फिर भी <laughs> आपने दो दो बकरियाँ रखी हुई है मगर कॉन्टेंट फिर भी आपसे नहीं दिया जाता कुल मिलाकर मुझे आप सब बेरोजगारों ऐसी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद नहीं है और मैं 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 कोई दिखावा नहीं कर रही कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। किसी को और उसको मार चंद्रिका जी ड्रामेबाजी बंद करें और दो बड़ा पाव लेकर आए हाथ धोकर हाथ धोकर एक तो बिग बॉस का ये हाथ धोकर आओ और अरमान को हाइजीन इज इंपॉर्टेंट यार बिल्कुल मेरी मर्दाना बीवी को कोई गंदी नजर से देखेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं गंदी नजर से देखना भी था तो पायल को देखता वो थोड़ी सी औरत तो लगती है वैसे <laughs> आपको क्या लगता है इनके लुक्स के बारे में यार मुझे लगता है कि भाभी सुंदर है अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो अरमान मलिक आ जाएंगे यार मैं कुछ नहीं बोलने वाली ठीक है सब बढ़िया है सही है है बढ़िया कृतिका चाहे विशाल ने आपको सुंदर बोला हो मगर आपका मुंह अभी भी मेरी गली के नुक्कड़ पर बैठे मोची जैसा है <laughs> आपसे तो कोई दहेज लेकर भी शादी ना करे वो तो ये अरमान हवसी ही था जिसने शादी कर ली यार वेरी नाइस मुझे लग रहा है कि लोग अपने अंदर की ये जो बातें है ना जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं उस एआई के जरिए मतलब एआई की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो हाँ, कहां लोग बोल रहे हैं <laughs> नौकरियां छीन लेगा ए हाँ, क्या कर रहा है यार इनको क्या ये बिग बॉस को डब कर रहे हैं एआई इंडिया में आया तो देखो उसकी क्या हालत हुई है एआई ने अपना डब स्पेश बना लिया है यहाँ पर जाकर अब कम कर हाँ, हाँ, बिल्कुल तुम हाथ धोकर वड़ा पाव खिलाना मैं दिल्ली आऊंगा तुम्हारे ठेले पर हाँ हाँ जीतना है तुझे

तो कोई काम नहीं दा। नहीं दा। बिल्कुल मुझे लगा कि थोड़ी अक्कल आएगी यार, एक बहुत आला सुन सुन कर मैं अब पक चुका हूं अब अगर आपने कहा बहुत आला तो आपका मुंह काला किसी की पॉटी फंसी हो तब आपके जैसा मुंह बनता है लोगों को मुंह खोलकर कर फाड़कर देखना छोड़ दें सना जी पहले तो हमें नहीं पता कौन सी ब्रीड का कुत्ता था जिसने आपको काटा था और आप ठीक भी हो गई मगर इस बार इस बार मुझे बस लगता है आपको कटारिया से कटवाना पड़ेगा नाम की मिस्टर बीन बीवी जब भी मुंह खोलते हैं तो ऐसे लगता है किसी ने गटर का ढक्कन उठा दिया हो और चंद्रिका जी आपको बस यही कहूंगा कि पॉटी करके हाथ धो लिया करे हाथ के पीछे हाथ धो के पड़े गए यार। यार वेरी वेरी बैड बैड बिग बॉस चंद्रिका आपको हम सेलिब्रिटीज के बीच में बिग बॉस में क्या ले आए आपकी तो हवा ही बिगड़ गई याद रखिए, यहाँ से निकलकर लोगों ने आपको यही कहना है चल दो बड़ा पाव लगा वो भी हाथ धोकर कृतिका नाक में उंगलियां मारकर आप किचन में मत आया करें गंध फैलाने के लिए चंद्रिका कम थी क्या जो आप भी किचन में आ गई

है लोग जो अच्छी मजे ले रहे हैं बिग hmm. बॉस के और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रखना चाहिए पर हाँ. बहुत लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है अगर आप लोग भी ऐसे कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं एआई hmm. वाली तो हम एक और पार्ट टू बनाएंगे इस वीडियो को, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन है और किस बिग बॉस में ज्यादा मजा आ रहा है ए वाले में या फिर ओटीटी वाले hmm. में तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये सब कुछ और हम जा रहे हैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने मेरा नाम है निकिता मेरा नाम है सानिया और आप देख रहे हैं स्विच